आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। चुनावी माहौल है और ऐसे में नामांकन के साथ साथ कई दावे और वादे भी किए जा रहे हैं, डोर टू डोर प्रचार भी किया जा रहा है। कई स्टार प्रचारक भी जमीनी स्तर पर उतरकर वोट की अपील कर रहे हैं। तो वहीं कन्नौज की छिबरामऊ सीट से वोटर्स पार्टी के प्रत्याशी लालू यादव ने नामांकन दाखिल किया। इस दौरान लालू यादव ने कहा कि चुनाव जीतने पर विधानसभा में जो भी समस्या है उसको दूर किया जाएगा। आगे लालू यादव ने कहा कि अगर छिबरामऊ की जनता उनको चुनाव जिताकर विधानसभा भेजती है तो वोटर्स पार्टी को वोट डालने वाले वोटर्स को हर महीने 8,000 रुपए देने का काम किया जाएगा। आप भी सुनिए वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल के प्रत्याशी लालू यादव ने क्या कुछ ऐलान किया है। हमारी पार्टी की नीतियाँ हैं देश में वोट डालने वालों को 8,000 रुपए महीना देने का कर हमारी पार्टी करेगी। गांव क्षेत्र में कमियां तो पूरी विधानसभा में क्या पूरे उत्तर प्रदेश में कमियां ही कमियां हैं। जब तक देश के वोट डालने वालों को 8,000 रुपये महीना नहीं मिलेंगे तब तक ये कमियां गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी, ये सब कमियां ही हैं। छिबरामऊ के लोग अगर हमें जिता के भेजते हैं तो सबसे पहले विधानसभा में पहुँचने के बाद हम वोटरशिप का कानून बनवाने का कार्य करेंगे। देश के वोट डालने वालों को 8,000 रुपये महीना मिले ऐसा कार्य सबसे फर्स्ट कार्य हमारा ये। तो आपने सुना कि किस तरह से विधानसभा की कमियों को, गरीबी, बेरोजगारी और समस्याओं को दूर करने के लिए 8,000 रुपए प्रति महीना देने की बात कही है वोटरों को, विधानसभा के लोगों को। तो ये नामांकन करने के साथ ही बड़ा ऐलान किया है इंटरनेशनल के प्रत्याशी लालू यादव ने। आपने ऐलान तो सुन लिया, अब हमारे साथ प्राइम चर्चा में चर्चा के लिए भी जुड़ चुके हैं वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल के प्रत्याशी लालू यादव, जिनसे हम जानेंगे विधानसभा की समस्याओं के बारे में, जानेंगे क्या कुछ सुधार और विकास करेंगे चुनाव जीतने के बाद, पार्टी की क्या कुछ नीतियां हैं। बहुत बहुत स्वागत है लालू यादव जी आपका प्राइम चर्चा में। लालू यादव जी, जिस तरह से विधानसभा की समस्याओं को दूर करने की बात आपने कही है नामांकन के बाद, जो बेड़ा उठा रहे हैं, तो उसको किस तरह से करेंगे, क्या कुछ समस्याएं देखने को मिल रही है आपकी विधानसभा में? जी, सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा प्राइम टीवी चैनल को और खासकर आपको जी। लालू यादव जी, जिस तरह से विधानसभा में समस्या देखने को मिल रही है, आपने अपने नामांकन दाखिल करने के बाद कई बड़े ऐलान किए, जिसमें से आपने विधानसभा की समस्याओं को दूर करने की बात कही है, तो कौन कौन सी समस्याएं हैं इस वक्त आपकी विधानसभा में? हमारी विधानसभा 196 छिबरामऊ में बेरोजगारी और भ्रष्टाचार, कई ऐसी घातक समस्याएं हैं। उन समस्याओं को दूर करने के लिए हमने वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल से छिबरामऊ विधानसभा से कल नामांकन दाखिल किया है जी। और हमारी जो प्रमुख मुद्दे हैं, हम देश के सभी वोट डालने वालों को 8,000 रुपए महीना वोटरशिप कानून बना करके देना चाहते हैं, जिससे कि गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार चढ़ती हुई जो योजनाएं हैं उन योजनाओं को बंद किया जाए और हमारी जो वोटरशिप योजना है सारी योजनाएं बंद की जाएं और वोटरशिप योजना चालू की जाए, जिससे देश के वोटरों का भविष्य सुधरेगा, आने वाली हमारी नस्लें सही होंगी। हमारी जो राजनीति में आज इतना बुरा हाल है हिंदुस्तान की राजनीति का, एक छिबरामऊ विधानसभा उत्तर प्रदेश से मैं इस बार चुनाव लड़ रहा हूं, जो गंदी राजनीति है इस राजनीति को सुधारने के लिए हमने 8,000 रुपए महीना वोटरशिप देने का हमारी पार्टी ऐसा ऐलान करती है जी। लालू यादव जी, आपने इतना बड़ा ऐलान किया है कि हर महीना सभी वोटरों को 8,000 रुपए दिए जाएंगे, तो आखिर इसका प्रबंध कहां से होगा, कहां से दिए जाएंगे ये 8,000 रुपए? हाँ, ये एक आपका महत्वपूर्ण सवाल है जी, 8,000 रुपए महीना कहां से देगी सरकार। तो मैं इस बात का भी खंडन करना चाहता हूं कि जो सरकार सरकारी मास्टर को पैसा दे सकती है जी, विधायक को पैसा दे सकती है, सांसद को पैसा दे सकती है और
प्रधानमंत्री को पैसा दे सकती है, मुख्यमंत्री को पैसा दे सकती है, यानी देश में लोकतंत्र चलाने वालों को जब पैसा मिल सकता है तो लोकतंत्र बनाने वालों को पैसा क्यों नहीं मिल सकता है। हमारी पार्टी वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल ने भारतीय महागठबंधन बनाया है, हमारे साथ 60 पार्टियों का गठबंधन है, हमारे साथ उत्तर प्रदेश चुनाव में 60 पार्टियां इस बार एक साथ चुनाव लड़ रही है। आने वाले समय में हमारा भारतीय महागठबंधन और उसका एक घटक दल है वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल, जिस दल से हमने पर्चा दाखिल किया है, उस पार्टी ने देश के वोट डालने वालों को 8,000 रुपए महीना देने का ऐलान किया है। जिस तरीके से प्रधान को तनख्वाह मिल सकती है, विधायक जी को तनख्वाह मिल सकती है, सांसद को तनख्वाह मिल सकती है, प्रधानमंत्री को तनख्वाह मिल सकती है, तो अब देश में वोट डालने वालों को भी तनख्वाह चाहिए। अगर तनख्वाह नहीं देंगे तो अब देश के वोट डालने वालों का भी काम चलने वाला नहीं है। लालू यादव जी, जिस तरह से आपने कहा कि वोट डालने वालों को भी तनख्वाह, अगर आप हर महीने हर वोटर को 8,000 रुपए महीना देंगे तो फिर कोई व्यक्ति काम करने के लिए क्यों जाएगा? एक तरफ रोजगार की बात होती है, अगर आप रोजगार देने की बात कहेंगे तो लोगों को ज्यादा खुशी होगी बजाय 8,000 रुपए महीना बिना कुछ करे देने के। क्या कहेंगे इस पे? इस पे हमारा एक तर्क है जी कि जो देश में आज तक लोगों जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं जी, जैसे भारतीय जनता पार्टी जी, कांग्रेस पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी जी, और समाजवादी पार्टी, देश में जितने राजनीतिक दल हैं उन्होंने देश के वोटरों को गुमराह करके रखा है आज तक कि देश में बेरोजगारी पे आप बात कीजिए, आप शिक्षा पे बात कीजिए, आप नौकरी पे बात कीजिए, किसी ने ये नहीं कहा कि देश के वोट डालने वालों को तनख्वाह मिलनी चाहिए। ये बात वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल ने कहा है, ये मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूँ जी, मैं बात कर रहा हूँ पार्लियामेंट संसद की जी। 2005 में 137 सांसदों के माध्यम से माननीय भरत गांधी जी ने याचिका दायर की थी और 2006 में एक गोयल कमेटी बनाई गई, उस कमेटी ने भी इस प्रस्ताव को मान्य कर लिया कि देश के वोट डालने वालों को पैसा मिलना चाहिए, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के उन 54 सांसद, भारतीय जनता पार्टी के 54 सांसदों ने इस बात को मान लिया कि देश के वोट डालने वालों को पैसा मिलना चाहिए, और समाजवादी पार्टी के 19 सांसदों ने लिख करके दिया कि देश के वोट डालने वालों को पैसा मिलना चाहिए, और बहुजन समाजवादी पार्टी के 8 सांसदों ने लिख के दिया कि देश के वोट डालने वालों को पैसा मिलना चाहिए, और 137 सांसदों ने ये बात पार्लियामेंट में लिख के दिया कि देश के वोट डालने वालों को पैसा मिलना चाहिए, लेकिन ये 4 राजनीतिक घराने, एक भारतीय जनता पार्टी और दूसरी कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्षों ने ये कह दिया कि देश के वोट डालने वालों को हम पैसा देने वाले नहीं है। तो इस बार 2022 के इलेक्शन में ये देश की जनता तय करेगी। हमारे भारतीय महागठबंधन के प्रत्याशी 403 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, जहां जहां ये पार्टी के लोग चुनाव लड़ेंगे, इस बार जनता दिखा देगी कि अगर आप देश के वोटरों को पैसा देना नहीं चाहते हो तो देश की जनता आपको अब वोट देना भी बंद करने वाली है, और उसी को वोट देगी जो वोट देने की बात करे, वोट देने के बाद पैसा देने की बात करेगा। तो हमारी वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में एक राज कायम करेगी जो पूरी गरीबी और अमीरी को खत्म करने के लिए हमारे कई अर्थ शास्त्री और संविधान विशेषज्ञ, कई लोगों ने बड़े बड़े सपने देखे थे कि हम देश से गरीबी खत्म कर देंगे, हमें देश ऐसा बना देंगे, हमारे जो महापुरुष थे जिन्होंने देश की आजादी लड़ते लड़ते मर गए, एक सपना देखा था कि हमारा देश एक स्वर्ग होगा, सोने की चिड़िया होगा, लेकिन इन राजनेताओं ने देश को गर्त में लेकर रख दिया है और देश को खत्म करने की नौबत आ गई। जो आपने ये बड़ा ऐलान किया है 8,000 रुपए देने का, और आपने ये भी बताया कि ये वोटरों को दिए जाएंगे, तो जो 18 साल से ऊपर की आयु का व्यक्ति है उसे दिया जाएगा। अगर एक परिवार में 6 लोग हैं जो कि मतदान करने योग्य है, तो क्या 6 के 6 लोगों को ये राशि मुहैया कराई जाएगी? क्या कुछ कैटेगरी रहेगी? जी बिल्कुल बिल्कुल, आप जो कह रही हैं कि अगर एक घर में 6 वोटर हैं तो 48,000 रुपए महीना उसके घर में जाएगा। जब 48,000 रुपए घर उसके घर में जाएगा तो उसका परिवार खुशहाल होगा कि नहीं होगा, आप ही बताइए।
मेरा एक सवाल है कि जब किसी घर में 48,000 रुपए महीना जाएगा तो कोई व्यक्ति कमाने के लिए घर से बाहर क्यों जाएगा, इस विषय पे क्या सोचते हैं? इस विषय पे हमारा सोचना ये है, जब 48,000 रुपए महीना उसे मिलेगा तो खाने पीने की टेंशन खत्म हो जाएगी। जी बिल्कुल, वो व्यक्ति काम करेगा अपने स्वाभिमान के लिए। क्या इसकी कोई कैटेगरी बनाई है आपने कि सिर्फ गरीब लोगों के लिए ये योजना रहेगी या फिर अमीरों के लिए, गरीबों के लिए, मध्यम वर्ग के लिए, सबके लिए एक जैसी योजना रहेगी? आज तक गरीब गरीब कहकर के पूरे देश के गरीबों को लूटा गया है जी, लेकिन हमारी पार्टी कहती है ना गरीब को ना गरीब है ना अमीर है, मैं गरीब को भी पैसा दूंगा, अमीर को भी पैसा दूंगा। अगर मैं गरीब की बात करूंगा तो ये अमीर पैसे वाले, ये अमीर लोग गरीब बनकर के गरीबों का हिस्सा लूट लेते हैं, लेकिन हमारी पार्टी कहती है कि चाहे वो अंबानी हो, चाहे वो अडानी हो, चाहे वो नौकरानी हो, हमारी पार्टी देश के प्रत्येक वोट डालने वाले को जिसकी उम्र 18 साल हो जाएगी उसको हम 8,000 रुपए महीना देने का कार्य करेंगे, और प्लस महंगाई भत्ता। जब जब महंगाई भत्ता बढ़ता है तो खाली सरकारी कर्मचारी का बढ़ता है, लेकिन हमारी पार्टी कहती है जब महंगाई भत्ता बढ़ेगा तो हम लोग देश के वोट डालने वालों को प्लस महंगाई भत्ता बढ़ा करके भी वोटरशिप देने का कार्य करेंगे। आज देश की आमदनी 16,000 रुपए है, तब हमारी पार्टी कहती है आधे पैसे से कीजिए देश का विकास और आधे पैसे से कीजिए वोटर का विकास, जिससे हमारे देश में खुशहाली आएगी और वोटर भी मालामाल हो जाएगा। आज तक नेताओं ने माल काटा है, अब आने वाले समय में अब जनता माल काटेगी, जिसका सरकारी खजाने से हिस्सा नहीं होता है वो गुलाम होता है, लेकिन हमारी पार्टी गुलामी खत्म करने के लिए आई है, आर्थिक आजादी दिलाने के लिए आई है। जब घर घर में पैसा पहुंचेगा तब देश आजाद होगा। लालू यादव जी, चुनावी मुद्दों के बारे में बात करते हैं, आपकी पार्टी वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल इसकी नीतियां क्या है, किन नीतियों पे काम करती है ये? आप वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल की मैन जो नीति है वो देश के वोट डालने वालों को उसका हिस्सा जो है वो मिल जाए, इसी नीति पे हमारी पार्टी काम करती है। और हम लोग जब तक देश के वोट डालने वालों को वोटरशिप कानून बना करके पैसा नहीं मिल जाता है तब तक हम लोग संघर्ष करेंगे, रोड पे रहेंगे, और हमें धरना देना पड़ा धरना देंगे, जैसे किसान आंदोलन दिल्ली में चला था उस तरीके की भी प्रक्रिया हम लोग अपनाएंगे। अगर राजनीतिक जैसे भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी ये लोग बोलने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन हमारी पार्टी जनता के बीच में जाकर के इस बार बहुत बड़े स्तर पे चुनाव लड़ रही है, और आने वाले समय में 2024 में भी हम लोग चुनाव लड़ेंगे, और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी चैलेंज करेंगे, अगर आप वोटरशिप नहीं देना चाहते हैं तो देश की जनता आपको भी उखाड़ के फेंक देगी, इस देश में तानाशाही नहीं चलेगी, ना चली है, ना चलेगी, ना चलने देंगे हम लोग। जी, वोटरों के बारे में तो काफी कुछ सोच रहे हैं आप, लेकिन बात करें आपकी विधानसभा छिबरामऊ की, तो वहाँ पे कौन कौन सी समस्या है? क्या वहाँ पे स्वास्थ्य सुविधा बेहतर है? क्या वहाँ पे अच्छी सड़कें देखने को मिल रही हैं? शिक्षा व्यवस्था बेहतर है? इन सब पे क्या विचार किया है? जो यहाँ पे कमियां देखने को मिल रही है उसका सुधार कैसे करेंगे आप? अगर हमें छिबरामऊ की जनता जनता जनार्दन होती है, अगर छिबरामऊ की जनता मुझे विधानसभा में भेजती है तो जो कमियां इस विधानसभा में है उन कमियों को पूरा करने के लिए इस बार मैं चुनाव लड़ रहा हूं। और हमारी विधानसभा में लूट तंत्र मचा हुआ है, चाहे वो किसी भी पार्टी के विधायक बनते हो वो जनता को लूटने का काम करते हैं, लेकिन अगर हम इस बार जनता हमें चुनती है तो हम जनता के लिए कार्य करेंगे। जी। लालू यादव जी, हम ये जानना चाहेंगे कि छिबरामऊ में इस वक्त कौन से मौजूदा विधायक हैं और जो हाल देखने को मिल रहा है सड़कों का उसके बारे में भी जानकारी चाहेंगे, कैसी सड़कें हैं? छिबरामऊ में भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं माननीय अर्चना पांडे जी, और अर्चना पांडे जी ने इस विधानसभा में कोई कार्य नहीं किया है, इससे मैं बहुत परेशान हूँ, और आने वाले समय में मैं जो विधायक बन के जाऊंगा अगर छिबरामऊ की जनता मुझे चुनती है, विधानसभा भेजती है, तो ना तो अस्पताल है यहाँ पे अच्छी सुविधा और ना ही रोडें अच्छी हैं, और बहुत बुरी समस्या है, हर जगह लूट तंत्र मचा के रख दिया है। तो मैं यही कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि जो भी राजनेता हो वो अगर जनता के हित के काम नहीं करेगा तो उसे जनता उखाड़ के फेंक देगी। स्वास्थ्य सुविधाएं कैसी देखने को मिल रही है छिबरामऊ में, क्या पहले से उनमें कुछ सुधार है?
स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में क्या कहेंगे, क्या उसमें कुछ बदलाव देखने को मिला है या फिर उसमें भी आप काम करेंगे? स्वास्थ्य विभाग एक बिल्कुल भ्रष्ट विभाग बना दिया है यहाँ के विधायिका ने, और हम स्वास्थ्य विभाग में बहुत अच्छी तरीके से कार्य करेंगे, नई नई नियुक्तियां निकालेंगे, और डॉक्टरों की कमी है उन डॉक्टरों की भरपाई करने का कार्य विधानसभा में पहुंच के आवाज उठाएंगे। जी, अगर बात करें शिक्षा की तो स्कूलों के क्या हाल देखने को मिल रहे हैं, क्या उसको उसकी ओर ध्यान देंगे, विकास की ओर ध्यान देंगे, शिक्षा के क्षेत्र में क्या कुछ बदलाव करने की रणनीति बना रही है आपकी पार्टी? आप शिक्षा के क्षेत्र में तो बिल्कुल हाल खराब कर दिया, 2 साल से कोरोना के नाम से बच्चों का भविष्य बर्बाद कर दिया है भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। तो आने वाले समय अगर हम और हमारी पार्टी सरकार में जाती है तो शिक्षा की एक बेहतर नीति होगी, एक बढ़िया फाउंडेशन के साथ हम लोग शिक्षा को डेवलप करेंगे। जी लालू यादव जी, जिस तरह से चुनावी समय है और ऐसे में सभी प्रत्याशी जनता के बीच जा रहे हैं, अपने मुद्दों को लेकर जा रहे हैं, वोटर्स के बारे में तो आप सोच रहे हैं, और कौन कौन से मुद्दों के बारे में आप जनता को जागरूक कर रहे हैं और वोट की अपील कर रहे हैं? मैं आपके चैनल के माध्यम से एक जानकारी देना चाहता हूँ छिबरामऊ की जनता को। जी, समाज के लिए भी हम लोग कार्य करते हैं, मैं एक ग्रीन फाउंडेशन चलाता हूँ, मैं पेड़ लगाने का कार्य करता हूँ जो प्रदूषण दुनिया में फैल रहा है, जिसकी वजह से अभी ऑक्सीजन की कमी जैसे हम लोगों को महसूस हुई, हमारे देश के हजारों लोगों ने अपनी जान गंवा दी ऑक्सीजन की वजह से, तो देश के लोग एक वृक्ष लगाने का भी कार्य चालू करें जिससे हमारा समाज, हमारा पर्यावरण बचे और देश में अमन चैन कायम हो। जी, साफ सफाई को लेकर छिबरामऊ में क्या कुछ देखने को मिल रहा है, क्या साफ सफाई देखने को मिल रही है या उसके हाल भी बदहाल है बाकी चीजों की तरह? सफाई एक ऐसा मुद्दा है जी जिससे हमारे समाज में कई तरीके की कुरीतियां उत्पन्न होती हैं, लेकिन यहाँ के जो विधायक हैं, जो सांसद हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, उनका कार्य केवल इतना है कि बड़े बड़े होर्डिंग लगवाना और बड़े बड़े पोस्टर लिखवाना कि सफाई अभियान चल रहा है और झाड़ू लेकर के साफ जगह पर झाड़ू लगा देना, लेकिन जमीन पे कोई कार्य नहीं है। अगर हम लोग सत्ता में आएंगे, हम अगर विधानसभा में पहुंचेंगे तो सफाई का भी बहुत अहम रोल होगा, इस देश में सफाई तो होनी चाहिए, चाहे वो राजनीतिक पार्टियों की सफाई हो और चाहे वो राजनेताओं की सफाई हो, चाहे वो विधानसभा के विधायकों की सफाई हो, जब सफाई होगी तभी आगे आने वाले समय में अच्छे लोग आ पाएंगे राजनीति में। जी, हम आपकी पार्टी के बारे में भी जानना चाहेंगे, कितनी समय से ये सक्रिय है और ये किस मुख्य उद्देश्य के साथ, वोटर्स के अलावा और कौन कौन से मुख्य उद्देश्य हैं जिसके साथ ये आई है? हमारी पार्टी के और हमारा जो गठबंधन है भारतीय महागठबंधन, जी हमारा गठबंधन पार्टी हमारी इस बार एक ऐलान कर रही है जी कि 5 साल में 5 मुख्यमंत्री होने चाहिए जी और 25 डिप्टी सीएम होने चाहिए जो अलग अलग जातियों से होने चाहिए। तो अलग अलग मुख्यमंत्री और अलग अलग डिप्टी सीएम होंगे तो उनसे जनता को क्या फायदा होगा? उनसे जनता को ये फायदा होगा, अभी एक पार्टी चुनाव लड़ती है मुद्दों पे, अपने मुद्दों पे, और उसके बाद सीएम का चेहरा थोप दिया जाता है समाज के ऊपर, प्रदेश की जनता के ऊपर, लेकिन हमारी पार्टी 1 साल में 1 मुख्यमंत्री बनाएगी, 1 मुख्यमंत्री यादव होना चाहिए, 1 मुख्यमंत्री ठाकुर होना चाहिए, 1 मुख्यमंत्री ब्राह्मण होना चाहिए, 1 मुख्यमंत्री मोहम्मदन होना चाहिए और 25 डिप्टी सीएम होंगे, तो ताकि हर जाति धर्म के लोग खुश रह सके, क्या यही इसके पीछे की वजह है? बिल्कुल बिल्कुल, हमारी नीति ही यही है कि हर जाति में भय नहीं होना चाहिए और जो भी लोग हैं सबको एकदम लगना चाहिए कि हाँ ये हमारा प्रदेश है, हमारा देश है, हम अपने देश में स्वतंत्र हैं और हमें कोई डर भय नहीं है, हर जाति के लोग हमारे साथ जुड़ेंगे इस हमारी नीतियों के साथ। जी, आप हमारे चैनल के माध्यम से जनता को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे, चुनावी माहौल है और जिस तरह से अपील भी करी जा रही है वोट की, और इस वक्त आप क्या संदेश देना चाहेंगे और अपील करना चाहेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से देश और
छिबरामऊ विधानसभा के लोगों को खास करके कहना चाहूंगा कि अगर वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल के प्रत्याशी मैं हूं लालू यादव, अगर आप लोग मुझे इस बार छिबरामऊ से विधानसभा में भेजते हैं तो देश के वोट डालने वालों को हम लोग 8,000 रुपए महीना दिलाने का कार्य करेंगे। 8,000 रुपए महीना वोटरशिप कानून बना करके देने के लिए छिबरामऊ विधानसभा के एक एक घर में पैसा पहुंचाने का कार्य हम करेंगे और विधानसभा से लेकर के संसद तक हम लड़ाई लड़ेंगे। और अगर जब तक पैसा नहीं मिल जाएगा छिबरामऊ विधानसभा और पूरे उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान के लोगों को, तब तक हम ना चैन से बैठे हैं, ना बैठेंगे और ना बैठने देंगे इन राजनेताओं को। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम चर्चा के लिए। हमारे साथ आज प्राइम चर्चा में जुड़े थे वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल के प्रत्याशी लालू यादव, जिन्होंने एक बड़ा ही ऐलान किया है। ये अलग और अनोखा ऐलान है जिसमें उन्होंने 8,000 रुपये हर महीने हर वोटर को देने की बात कही है। चुनाव जीतने के बाद इन्होंने कहा कि इनकी पार्टी का ये मुख्य मुद्दा है ताकि जो भी कमियां हैं, गरीबी है, बेरोजगारी है, उसको दूर किया जा सके। इन पैसों की वजह से लोगों को काफ़ी मदद मिलेगी और उनका जीवन सुधर सकेगा। तो चुनावी माहौल ऐसे में कई दावे और वादे देखने को मिल रहे हैं, कई लुभावने वादे भी देखने को मिल रहे हैं, लेकिन अलग अलग दावे और वादे के साथ जनता के बीच जाते ये प्रत्याशी, इनको जनता का कितना समर्थन मिलेगा और कितना प्यार मिल रहा है, ये तो आने वाला वक्त और चुनावी परिणाम ही बताएगा। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।